नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसके पहले के पार्ट में फार्माकोलॉजी 1 को कंप्लीट कर दिया है और इसके पहले जस्ट वीडियो में आपने देखा कि बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का जो फार्माकोलॉजी 2 है, इनके सिलेबस को कैसे हमने ब्रीफ में एक डिस्कस किया है और हर एक सिलेबस के जो यूनिट हैं उनमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। और उसमें अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे एक सजेस्ट कम रिक्वेस्ट किया था कि आप फार्माकोलॉजी को समझने से पहले एपीएचई या एचएपी के बुक को रिफर करते हुए बड़े आराम से उनके पॉइंट को समझ सकते हैं और इसके लिए मैंने आपको एक बुक सजेस्ट किया था जो है रॉजन विल्सन। सो हम आगे बात करने वाले हैं आज के यूनिट 1 की, जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वैसे तो ये यूनिट की स्टार्टिंग है लेकिन मैंने इसे नाम दिया हुआ है प्री यूनिट 1। इसके अगर हम बात करेंगे बेसिक जानकारी के बारे में कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं और ड्रग इनके ऊपर जो काम करेंगे वो किन किन चीजों के लिए काम करेंगे, यानी कि जो ड्रग हम यूज करेंगे आगे जाकर के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उनके काम करने का साइट क्या है, उनके काम करने का मैकेनिज्म क्या होगा और व्हाट आर द बेसिक इंपॉर्टेंस, उनको जानने के लिए तो हमको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बेसिक चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तो हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको फिजियोलॉजी के पूरे पॉइंट को कवर करें, हाँ लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो जानना जरूरी है, इनको हमने यहाँ पे कोट किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हार्ट का जो मेन फंक्शन है वह है कि ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई करना एक स्पेसिफिक प्रेशर को मेंटेन करते हुए, सो दैट आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड आराम से पहुंच सके। और ब्लड पहुंचने का मतलब यह है कि ब्लड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट डिसॉल्व है, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है और सेल के द्वारा यूज करने के बाद जो CO2 लिबरेट किया जाता है, उनको लेकर के वापस से हार्ट, फिर हार्ट से लंग में पहुंच जाना ताकि उनका प्योरिफिकेशन हो सके। तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। हीमोडायनेमिक कहने का मतलब यह होता है कि आपके ब्लड का प्रोडायनेमिक क्या है। हीमो मींस ब्लड एंड डायनेमिक मींस उसका गति, उसके मोशन के बारे में स्टडी करना। इन शॉर्ट ये कह लीजिए कि ये ब्लड का सर्कुलेशन है। ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, ब्लड के सर्कुलेशन के पीछे किनका इंपॉर्टेंस रोल होता है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, इन सब के बारे में आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टर्म है वो है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम विच इज अ ग्रुप ऑफ सो मेनी पार्ट जिस इंक्लूडिंग 2 मेन पार्ट, दैट वन इज कार्डियो, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, और वैस्कुलर मतलब होता है वेसल्स। तो एक ऐसा सिस्टम जो हार्ट और वेसल्स के थ्रू जुड़ा हुआ हो और पूरी बॉडी में ये अपने ब्लड के इंपॉर्टेंस को सर्कुलेट कर रहा होगा। फ्रेंड्स, अभी आपने देखे हैं कि ब्लड के पीछे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये जो ब्लड है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए, डिफरेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए और कई चीज़ों के इम्यूनिटी एजेंट बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचे स्पेसिफिक वॉल्यूम में, स्पेसिफिक फोर्स के साथ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे हार्ट की एज वेल एज आपके वेसल्स की। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये का जो हीमोडायनेमिक है मैकेनिज्म, इनको स्टार्ट किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, हार्ट हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो नॉर्मैलिटी, या इसी को यू कह लीजिए ऑटो रिदमिसिटी। नॉर्मैलिटी कहने का मतलब है कि अपने आप नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने का काम करता है, जिसे मैक्सिमम बुक में ऑटो रिदमिसिटी के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा है ऑटो रिदमिसिटी का, इसका नाम का मतलब क्या है, जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि हार्ट अगर ऑटोनॉमिसिटी शो करते हैं इसका मतलब है कि वो खुद अपने आप थ्रू द हेल्प ऑफ पेसमेकर ये रिदम जनरेट करते हैं। ये रिदम आगे जाकर के आपके हार्ट रेट और आपके कार्डियक साइकिल को कंट्रोल के साथ साथ मेंटेन करने का इंपॉर्टेंट काम करता है। अगला जो पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स में वो है दे हैव टाइप्स ऑफ, या किस तरह के नर्व से सप्लाइड किए जाते हैं। ये दो तरह के जो सिस्टम है हमारे बॉडी में, आपने पहला देखा ड्रग एक्टिव ऑन ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, उसमें आपने देखा तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों तरह के नर्व से सप्लाई किए जाते हैं। पैरासिंपैथेटिक नर्व ऐसे सिग्नल होते हैं जो कि आपकी बॉडी में और एडवर्स कंडीशन के कारण से एक्ट करते हैं और आपको उस कंडीशन से गेट रिलीफ करने में मदद करते हैं, जिसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इन तरह के रिस्पॉन्स की हम स्टडी करते हैं। तब आपने याद किया होगा, अगर समझा होगा तो आपने देखा है कि वहाँ पे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ताकि हम वहाँ से ईजिली स्केप कर सकें, भाग सकें। उसके बाद दूसरा है वो है पैरासिंपैथेटिक। तो पैरासिंपैथेटिक कहने का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जो कि रेस्ट और डाइजेस्ट करने का काम करता है। बेसिक डिफरेंस दोनों में देखेंगे तो सिंपैथेटिक का उल्टा होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हार्ट जो है वो इन दोनों तरह के नर्व से युक्त होते हैं, इन दोनों तरह के नर्व को फॉलो करते हैं।
इसके बाद हमारा अगला है दैट इज साइनो एट्रियल, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे नोड भी कहते हैं। इट इज नोन एज अ पेसमेकर, क्योंकि ये पेस को जनरेट करते हैं और पेस को जनरेट करने के बाद पुरकिंजे फाइबर के थ्रू आपके जो हार्ट हैं इनके बंडल ऑफ फिश तक सर्कुलेट करते हैं। इन्हीं के पेस के जनरेट होने की वजह से हमारा जो हार्ट है बेसिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो एक रिदम है इसको फॉलो करता है और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। इन्हीं की वजह से हमारे हार्ट के थ्रू ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। आपने तो ये जाना होगा फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी चैप्टर में कि हार्ट का जो फिजियोलॉजी है वो क्या कहता है, कैसे हार्ट अपना काम करता है। थ्रू आउट द बॉडी जो भी इम्प्योर ब्लड हैं वो आपके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के वक्त की ओर से होते हुए आपके राइट एट्रियम में पहुंचते हैं। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं। राइट वेंट्रिकल से वो आपके दोनों लंग्स में पहुंचते हैं, जहाँ की वहाँ पे जो CO2 कंटेनिंग ब्लड है वो एक्सचेंज हो सके और आपने जो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लिया है इनका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन रिप्लेस होती है CO2 के बदले में और ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। अब ये जो ब्लड इम्प्योर गया था लंग्स के पास वो प्योर होकर के यानी ऑक्सीजन को लेकर के वापस से शुरू करता है और आपके लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और जहां से आखिरी में ये थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होती है। यहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे वो राइट एट्रियम हो, इन दोनों का काम होता है फोर्सफुली ब्लड को एक दूसरे से कंपोनेंट में पहुंचाना, सर्कुलेट करना। इसलिए इनकी जो थिकनेस है वो एज कंपेयर टू एट्रियम के दोनों एट्रियम से ज्यादा होता है और अगर आप दोनों वेंट्रिकल में कंपेयर करना चाहेंगे तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल ज्यादा थिक होता है क्योंकि इसे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना होता है। ये क्वेश्चन जीपैट के लिए और आपके एमसीक्यूज के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हार्ट के रिगार्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हार्ट रेट। हार्ट रेट कहने का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मिनट में हार्ट कितने बार बीट करता है, दिस कॉल हार्ट रेट। बेसिकली इसकी जो रेंज है वह 60-90 बीट्स पर मिनट के हिसाब से है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर लाइक ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा कि हमने बताया आपको कभी कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए जहां से आपकी बॉडी यानी कि आपको एस्केप करना पड़े, फाइट करना पड़े, फ्लाइट करना पड़े, तब ऐसे जो आपके बॉडी के लिए हार्मोन्स हैं जैसे इज कॉल्ड एड्रेनलिन ग्लैंड एंड अदर टाइप ऑफ हार्मोन्स, ये आपके ब्लड में डिजॉल्व होते हैं, सीक्रेट होते हैं। इनकी वजह से इस एक्टिविटी की वजह से आपके हार्ट का रेट बढ़ जाता है और आपके हार्ट रेट के बढ़ने के कारण से जो ब्लड का सर्कुलेशन है थ्रू आउट द बॉडी वो पहुंचता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपकी बॉडी से जितने भी ब्लड सर्कुलेट होंगे वो ब्लड ग्लूकोज कंटेनिंग होंगे, न्यूट्रिएंट कंटेनिंग होंगे, तो जब जरूरत पड़ेगी आपको ज्यादा ब्लड की तो हार्ट का जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड में डिसॉल्व न्यूट्रिएंट एज वेल एज ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में आपके मसल्स तक पहुंचेगा, जिससे आपके मसल्स को एनर्जी मिलेगी और उसके कारण से आप फाइट करके या तो यहां से फ्लाइट करके दूर जा सकते हैं। ये उसका बेसिक रीजन होता है। दूसरा है आपका सर्कुलेटरी हार्मोन। जैसे हमने बताया कई तरह के हार्मोन है, एड्रेनलिन जो एड्रेनलिन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं ये हार्मोन है और दूसरे टाइप के हार्मोन्स हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं और कभी कभी इनके एक्सेस होने की वजह से हार्ट रेट भी आपका बढ़ जाता है। उसके बाद जो तीसरा है वो है फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई टास्क कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, तब आपकी बॉडी या आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, आप नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहे होते हैं, तब आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए, होमियोस्टेसिस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आपका जो हार्ट है वो ज्यादा हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है, ज्यादा पंप करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से एक वॉल्यूम ऑफ ब्लड का इजिली सप्लाई हो सके जितनी की आपकी बॉडी को जरूरत है। अगला जो पॉइंट है वो है एज। एज के अकॉर्डिंगली हार्ट रेट वेरिएबल होता है। बचपन में हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है, फिर जाकर के नॉर्मल होते हैं, बुढ़ापे में ये हार्ट रेट वापस से थोड़ा सा रिड्यूस जरूर होता है। उसके बाद अगला है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरोरिसेप्टर एक ऐसा हमारे बॉडी में पाया जाने वाला फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली काम करने वाला रिसेप्टर है जो कि ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेंस करता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड मूव कर रहे हैं वेसल्स में इनका प्रेशर अगर कम होता है तो भी ये सेंस करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए जितने रिस्पॉन्सिबल हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इनको एक्टिवेट करते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि जब ये इनके सेंस करते हैं कि आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर ज्यादा है तो इसको टेम्पररी शॉर्ट टर्म कैसे मेंटेन करने इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसोडायलेशन इफेक्ट शो करके ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और इसकी वजह से ये हार्ट रेट में भी काफी हद तक अपना इफेक्ट शो कर पाते हैं। अगला है हमारा इमोशन। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग
इमोशन की कंडीशन से भी हार्ट रेट बढ़ सकता है या तो हार्ट रेट वेरिएबल हो सकता है। अगर आपको एंगर तरह की फीलिंग आ रही है, इस इज अ टाइप ऑफ इमोशन, वीर रस का एग्जांपल है, तो इसमें अगर आप इमोशन लेते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, जैसा कि आपने देखा है कि आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो ये हार्ट रेट भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इमोशन कंडीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, तो हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो दो ही है, एक तो एनर्जी को सप्लाई करना, साथ ही साथ ब्लड को सप्लाई करना, और ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई करना, क्योंकि ये ब्लड में डिसॉल्व है, इसलिए मेन तरह से आप एक फॉर्म में कह सकते हैं कि ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी होमोजेनाइज कंडीशन में मेंटेन करके सर्कुलेट करना। अगला है हमारा ब्लड प्रेशर। एक ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड का आपके वेसल्स पे लगाया जाने वाला एक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले सिलेबस को जानने के लिए। ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 120/80। 120/80 कहने का मतलब है कि 120 आपका सिस्टोलिक होगा और 80 आपका डायस्टोलिक होगा, और इसकी जो यूनिट है वह है mmHg में। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कई स्टूडेंट, हमारे यहाँ के स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, दिस इज नॉट 120/80, दिस इज नॉट 80/120, दिस इज 120/80। सिस्टोलिक मतलब होता है जब आपका हार्ट, यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टोलिक मीन्स हार्ट जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है। इस कंडीशन के प्रेशर को अपन सिस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर आपका डिटरमाइन होता है। सिस्टोलिक जनरली आपका जब हार्ट काम कर रहा होता है तब की कंडीशन में है, और डायस्टोलिक जनरली जब रिलैक्स होते हैं तब की कंडीशन का प्रेशर है। उसके बाद अगला है सिस्टोलिक इक्वल टू हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमने बताया कि सिस्टोलिक मतलब होता है ऐसा कंडीशन जहां पे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली वहां का प्रेशर जो है थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगला पॉइंट है हार्ट डायस्टोल, यानी कि जब हार्ट आपका क्या होता होगा, रिलैक्स होता होगा, तो डायस्टोल मतलब जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है उसके कंडीशन में प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तो ये दोनों प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपका ब्लड प्रेशर क्या कहता है। जनरली आपका सिस्टोलिक वेरिएबल होता है आपके बैठने के, आपके उठने के, आपके इमोशन कंडीशन से, इन चीजों पर भी डिपेंड करता है, और ये वेरिएबल होता है। तो ब्लड प्रेशर को हमेशा एक दो रीडिंग नहीं, कॉन्स्टेंट रीडिंग तक, एक फ्रिक्वेंट इंटरवल तक आपको चेक करना होता है, जब तक कि कॉन्स्टेंट रीडिंग नहीं आ जाती। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कॉमन हार्ट डिसऑर्डर, जो कि आपके सिलेबस में है। तो ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कि हार्ट के कारण से होते हैं, या उसका उल्टा कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जहां पे हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है, तो उनके कौन से कारण से इनको हम कौन से डिसऑर्डर से डिजिग्नेट करेंगे, इसके बारे में हमको यहां पे पढ़ना होता है। बेसिकली अगर आप बेसिक एग्जांपल के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है एक शॉर्ट में बात करें तो, हार्ट फेलियर मतलब होता है हार्ट का एग्जाम में फेल हो जाना। मतलब हार्ट का जो काम था, हार्ट का जो असाइंड टास्क था, उस पर्टिकुलर टास्क में अगर हार्ट प्रॉपरली सफलतापूर्वक काम नहीं कर पा रहा है, उसकी कमी हो रही है उसकी एफिशिएंसी की, दैट इज सिंपली नोन एज अ हार्ट फेलियर। बेसिकली हार्ट का जो मेन पर्पस है वो एक स्पेसिफिक प्रेशर के थ्रू ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाना होता है। तो किसी कारण से अगर हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको हम हार्ट फेलियर के अंदर इंक्लूड करते हैं। और भी पैरामीटर, वेरिएबल पैरामीटर इसके अंदर आते हैं, तब इसको हम क्लास में देखेंगे। अगला है वह है एंजाइना। एंजाइना जिसका पूरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस, इट इज अ इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ड्यू टू सेवरल रीजन। रीजन नंबर वन कि आपके जो कोरोनरी आर्टरी हैं, इट इज अ डिजीज ऑफ डिसऑर्डर ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है? ऐसे आर्टरीज जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कराते हो। तो ये जो एंजाइना है उसके दो बेसिक रीजन है। पहला, या तो आपके कोरोनरी आर्टरी में प्लैक जमा हो गया हो जो आपके ब्लड के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा हो, या तो आपके ब्लड वेसल्स में स्पाज्म आ गए हो, थोड़ी सी इसमें सिकुड़न टाइप की आ गई हो, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं, कई बार तो बिना एफर्ट किए भी आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपके हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इसकी कमी की वजह से आपके हार्ट के लेफ्ट साइड, आपके आर्म तक, यहाँ के बॉडी के पार्ट तक पेन होना शुरू होता है। इसे हम कहते हैं एंजाइनल पेन। इसके बारे में टॉपिक में जानेगा तो और डिटेल से देखेंगे। अगला है आपका कार्डियक एरिथमियासिस, या सिंधा सा इसको हम बोल सकते हैं एरिथमिया। एरिथमिया बना हुआ है ए रिदम से। तो रिदम मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर इंटरवल पे, एक फिक्स इंटरवल पे हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, ये उसका रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाता है रेट। जनरली
आपके जो हार्ट बीट देखें 72 बीट्स पर मिनट के आसपास होते हैं, तो इनके हार्ट बीट का या तो बढ़ जाना या तो घट जाना, टू फास्ट हो जाना या टू स्लो हो जाना, दोनों एरिदमिया कहलाते हैं, क्योंकि दोनों में रिदम तो चेंज हो गया, भले ही बढ़ रहा हो घट रहा हो, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से एरिदमिया कहते हैं। अगर आप स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में पूछेंगे कि हार्ट रेट का बढ़ जाना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड टैकीकार्डिया, और हार्ट रेट का कम हो जाना नॉर्मल से, दिस इज कॉल्ड ब्रेडीकार्डिया। अगला है हमारा हाइपरटेंशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन, जैसा हमने कहा कि आपके ब्लड का प्रेशर आपके नॉर्मल रेंज दैट इज 120 बाय सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक, इनसे ज्यादा हो जाना आपका हाइपरटेंशन कहलाता है, और ये एक काफी सारी डिजीज को स्टार्ट करने के लिए, डिसऑर्डर को स्टार्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका अगला है हाइपोटेंशन, जिसको हमें यहां पे इंक्लूड नहीं किया है, तो जिस हाइपोटेंशन इज अस ऑपोजिट ऑफ हाइपरटेंशन, जहां पे ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में, तो ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। जैसा कि हमने कहा फिजियोलॉजिकल पार्ट आपको समझ में आना होगा, इसके लिए आप रोजमिशन को फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रीफ में हम टच करते हैं पॉइंट को इसी के साथ, ताकि आप इसको और आगे पढ़ सकें। पहला पॉइंट है इंपल्स जनरेशन। देखिए इंपल्स जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा है, कोई भी एक्शन को स्टार्ट होने के लिए इंपल्स का जनरेट होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाकर के ये इंपल्स को आगे बढ़ा करके एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकें, तभी जाकर के हमारा पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, इस तरह की एक्टिविटी चलती रहेगी और नर्व का कंडक्शन स्टार्ट होगा। सो नर्व जनरेशन यानी कि इंपल्स जनरेशन के पीछे दो लॉजिकल रिस्पॉन्स हैं, या दो तरह के नर्व्स पॉसिबल होते हैं। पहला है नॉन ऑटोमेटिक फाइबर और दूसरा है ऑटोमेटिक फाइबर। नॉन ऑटोमेटिक फाइबर कहने का मतलब है ये अपना इंपल्स खुद जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये इंपल्स के जनरेशन के लिए एक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड होते हैं। इनका जो स्टार्टिंग डिपोलराइजेशन है वो फास्ट होता है, उसके बाद जो प्लेटू स्टेट है वो कांस्टेंट रहते हैं, फिर वे फास्ट रिपोलराइज होते हैं। कोई भी चीजें जब तुरंत डीपोलराइजेशन होती हैं, तो उनके वापस से उतनी ही जल्दी रिपोलराइजेशन होने की पॉसिबिलिटीज होती है, और ये हो जाते हैं कांस्टेंट जब उनका जो रिपोलराइजेशन नॉर्मल लेवल पे आता है, तो इनका रेस्टिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होता है थोड़ी देर के लिए, ये कहलाते हैं आपका नॉन ऑटोमेटिक फाइबर। जबकि अगर आप बात करते हैं ऑटोमेटिक फाइबर की, तो ये वो तरह के फाइबर हैं जिनके अंदर इंपल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, जैसा कि हमने देखा एसएनओ को ये पेसमेकर बोलते हैं। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि सेल्फ अपने आप ये एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद ऑटोमेटिसिटी जनरेट कर सकें, कंडक्शन या नर्व इंपल्स का जनरेशन स्टार्ट कर सकें। इनका डीपोलराइजेशन सेल्फ होता है, इसके बाद डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बाद वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल में आने के कुछ देर बाद जब इनका थ्रेशोल्ड वहां तक पहुंचता है रिपोलराइजेशन का, ये वापस से डीपोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रेस्टिंग, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रेस्टिंग, ये जो फ्रीक्वेंसी है अपने आप चलता रहता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके मायोकार्डियल्स की, जो कि है ऑटोमेटिसिटी, या ये होता है ऑटोमेटिक फाइबर की वजह से। अगला जो कंडक्शन के फेज के बाद है हमारा, वो है कंडक्शन, जिसमें आपका देखें कंडक्शन मतलब होता है एक जनरेशन ऑफ इंपल्स का एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर पार्ट तक मूव करना, ये कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता रहता है, ब्लड सप्लाई थ्रू द बॉडी होती रहती है। इसके बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो रोजमिशन को प्रिफर कर सकते हैं। अगला है हमारा एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू गेट एक्साइट। जब कभी कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सिग्नल्स मॉलिक्यूल आते हैं, हार्मोन आते हैं, या डाइट की वजह से सोडियम वगैरह आते हैं, तो इनके जो फाइबर्स हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने की वजह से जिनका जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्टार्ट होता है और फर्दर कंटिन्यू होता रहता है, और ये आपके बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात, इसमें एक लाइन लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस टू एलिमिनेट रिस्पॉन्स और गिव एक्चुअल पोटेंशियल। ऐसा स्ट्रेंथ जो कि किसी रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके, ये कहलाता है एक्साइटेबिलिटी। और अर्धरास्त हमारा है रिफ्रैक्टिव पीरियड, यानी कि इट इज अ गैप, या इट इज कह सकते हैं आप इट इज अ मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू प्रोपोगेशन पीरियड, एक के बाद दूसरा प्रोपोगेशन स्टार्ट होने के लिए जो मिनिमम गैप होता है, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड या रिफ्रैक्टिव टाइम। सो फ्रेंड, ये एकदम जनरल बेसिक बात किया हम लोगों ने यूनिट वन को स्टार्ट करने से पहले, आगे चैप्टर में हम यूनिट वन को स्टार्ट करेंगे। ये था आपका, कह सकते हैं इसको आप इसको हीमोडायनेमिक या तो फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल ऑफ हार्ट, इसके बारे में हमने पहले ही कहा कि फिजियोलॉजी पार्ट को हम यहाँ पर टच नहीं करने वाले हैं, ये आप अपने बुक से प्रीफर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का जो रेफरेंस था इसे हमने लिया है रॉजन विल्सन की बुक से। थैंक यू वेरी मच अगेन।